नमस्कार दोस्तों, फेबुलस एकेडमी कुचामन सिटी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर का हम करंट अफेयर्स देखेंगे। आज थोड़े लेट हो गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि डेफ एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी कि डिफेंस एक्सपो है एक्सपो जो प्रदर्शनी लगेगी वो भारत में किस राज्य में लगेगी। इसका राइट आंसर है डी आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उस लखनऊ के अंदर ये डिफेंस की जो प्रदर्शनी है वो लगेगी दोस्तों। आपको बता दें कि रक्षा क्षेत्र के अंदर ये जो डिफेंस की प्रदर्शनी है यानी कि रक्षा प्रदर्शनी है ये हर एक 2 साल के बाद में लगती है और अभी फरवरी माह के अंदर लखनऊ में लगेगी। देखो ये 5 से लेकर 8 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित की जाएगी और इस प्रदर्शनी के लिए जो एक ऐप मोबाइल ऐप है वो तैयार किया गया है और उस मोबाइल ऐप को 27 दिसंबर 2019 को भारत के जो रक्षा मंत्री है वर्तमान में राजनाथ सिंह उन्होंने लॉन्च किया है और इसके अंदर लगभग 880 कंपनियां भाग लेगी और रक्षा क्षेत्र के अंदर भारत में निवेश बढ़ने की संभावना है। तो आपको याद रखना जो हर एक 2 साल में डिफेंस एक्सपो होती है वो इस साल 2020 की लखनऊ में होगी। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पॉलिटिक्स ऑफ ए अपॉर्चुनिज्म इस पुस्तक का लेखक कौन है। राजनीति में जो अवसरवादिता होती है उसके ऊपर इस किताब को लिखा गया है। कांग्रेस के एक बड़े लीडर है जिसका नाम है आरपीएन सिंह, इन्होंने इस किताब को लिखा है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। आगे बढ़ते हैं, देखो ये चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं यही है आरपीएन सिंह और इन्होंने इस किताब को लिखा है और इस किताब के अंदर उन्होंने क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ साथ केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर भी प्रकाश डाला है और किस प्रकार से नैतिकता को ताक में रख के राजनीतिक पार्टियां कार्य करती है उसको भी उन्होंने इस किताब के अंदर उकेरा है। तो आपको याद रखना है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म किताब एक कांग्रेस के बड़े लीडर आरपीएन सिंह की है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, यानी कि ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन पुस्तक है उसका लेखक कौन है जो भारत और ओलंपिक के बारे में लिखी गई है। इस किताब के लेखक दो है, एक तो है नलिनी और एक है बोरिया मजुमदार, दोनों ने मिलके इस किताब को लिखा है। नलिन मेहता और बोरिया मजुमदार ने मिलके ये किताब लिखी है ड्रीम ऑफ बिलियन। ये देखो ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं आपको वो बोरिया मजुमदार है और एक इनके साथ में को राइटर है नलिन मेहता। ये किताब जनवरी 2020 में प्रकाशित होगी और इसके अंदर भारत के जितने भी स्पोर्ट्समैन रहे उनकी जीत हार और स्टार स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी कहानियों को उकेरा गया है। साथ ही जो 2020 का ओलंपिक होगा टोक्यो में उसमें भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं उनका भी विवेचन किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा उत्सव लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के नववर्ष के आगमन के रूप में मनाया जाता है, आपको बताना है। लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसकी राजधानी है लेह, या हम डिस्कस कर लेते हैं 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह रखी गई और इसी लद्दाख का नववर्ष का जो त्योहार है वो है लोसर दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देखो ये इस प्रकार की वेशभूषा में लोसर को मनाने के लिए वहां के स्थानीय लोग आते हैं। ये 3 से 9 दिन तक चलता है जैसे नवरात्रा चलता है दोस्तों और ये लोसर त्योहार है ये लद्दाख के लोगों का नववर्ष माना जाता है जैसे हमारा यहाँ चैत्र का महीना माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, मांडू उत्सव का प्रथम संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, आपको बताना है कि ये जो मांडू है ये उत्सव हुआ किस राज्य में। राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर मांडू एक जगह है, सांस्कृतिक स्थल है, वहां पे ये हुआ था। राजा भोज मांडू के ही हुए थे, वहां पे बहुत सारे सांस्कृतिक स्थल है जो इसकी समृद्धता को बढ़ाते हैं दोस्तों। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और तमिलनाडु की राजधानी है मद्रास और उत्तर प्रदेश की लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी पर है, ये भी आपको लर्न करना है दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर मांडू महोत्सव के बारे में देख लेते हैं हम, ये 28 दिसंबर को हुआ और मांडू शहर के अंदर हुआ। इसकी जो थीम थी वो थी खोजने में खो जाओ, इस विचार पर आधारित था ये और इसमें विभिन्न प्रकार के कलाओं का प्रदर्शन किया गया। मांडू एक सांस्कृतिक स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल की है, यानी अपनी सेना में ऐसी मिसाइल जो ध्वनि से हाइपरसोनिक गति से आगे बढ़ती है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है, उस प्रकार की मिसाइल किस देश ने की है। इसका नाम है रूस, रूस की राजधानी मास्को है। इसराइल की जेरूशलम है दोस्तों
और अमेरिका की वाशिंगटन और चाइना की बीजिंग। रूस ने इस प्रकार की एक मिसाइल अभी अपनी सेना में शामिल किया, जो ये आपको चित्र में दिखाई दे रही है, ये हाइपरसोनिक एक मिसाइल है जिसका नाम है एवेंगार्ड। आपको बता दें कि ये 2000 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है उसको झेलने के लिए भी तैयार रहती है। इस प्रकार के मिसाइल शामिल करने वाला रशिया दुनिया का प्रथम देश है। तो हाइपरसोनिक हथियार या हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसकी बात हो तो हमें रशिया को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे किस जिले ने यूनिसेफ पुरस्कार 2019 जीता। यहाँ सवाल उठता है कि ये यूनिसेफ पुरस्कार क्या है। हर एक साल भारत के अंदर जो स्वच्छता के मानकों में अच्छा प्रदर्शन करता है जो जिला उसको यूनिसेफ पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ यूनिसेफ की हम बात कर लेते हैं, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन अमरजेंसी इंटरनेशनल चाइल्ड अमरजेंसी फंड होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी संस्था जो बच्चों के आपातकाल के लिए धन इकट्ठा करती है उसको यूनिसेफ कहा जाता है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात हो तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ध्यान रहे ये यूएन की बॉडी है, तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है, वॉशिंगटन में नहीं है। और यूनिसेफ पुरस्कार जो 2019 जिस जिले को मिला है वो है कामारेड्डी। आपको बता दें ये कामारेड्डी जिला है वो भारत का एक राज्य है जिसका नाम है तेलंगाना, तेलंगाना में स्थित है, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना में स्थित कामारेड्डी जिला है उसको 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसने स्वच्छ भारत मिशन था उस पैमानों के अंदर बहुत ही अच्छी प्रगति की और उसके फलस्वरूप इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि किस मंत्रालय ने वर्ष 2019 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। सीधी सी बात है, नारी शक्ति के लिए पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देगा। और इस साल के जो पुरस्कार हैं उनका जो नाम है वो 8 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि 8 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। हर एक साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसी दिन मनाया जाता है। तो आपको जब नारी शक्ति पुरस्कारों की बात हो तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, जिसकी अभी जो मिनिस्टर है वो है मेनका गांधी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ईट राइट मेले के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। एक मंत्रालय का नाम बताना है कि आपको सही खाना चाहिए, जंक फूड या फालतू की चीजें नहीं खानी चाहिए बाहर की। सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय होगा, क्योंकि अगर अच्छा नहीं खाओगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। ईट राइट मेले का हाल ही में उद्घाटन भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन हर्षवर्धन ने नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया। आपको देखो इस चित्र से पता चल जाता होगा कि क्या है सही खाना और क्या है गलत खाना। ये ईट राइट है, ये एक मूवमेंट है जो भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी फसी के द्वारा भारत के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए चलाया जा रहा है। अगर आपसे ईट राइट मेले के बारे में पूछे तो बताना है कि हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि दक्षिणी भारत में सबसे पहला संस्कृत शिलालेख निम्न में से किस राज्य में पाया गया। देखो भारत के अंदर अगर पहले संस्कृत शिलालेख की बात हो तो वो होगा, आपको पता है, जूनागढ़ अभिलेख। भारत की अगर बात हो तो जूनागढ़ अभिलेख होगा, और जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात होगी तो वो होगा गुजरात में, और अगर जूनागढ़ अभिलेख की बात हो रही है तो वो बात होगी रुद्र दामन की। शक शासक था एक रुद्र दामन, और उस रुद्र दामन का ही अभिलेख था जूनागढ़ अभिलेख। लेकिन अगर दक्षिणी भारत की संस्कृत अभिलेख की बात होगी तो इसका राइट आंसर होगा कि वो तमिलनाडु राज्य में। देखते हैं, देखो ये तमिलनाडु राज्य के अंदर अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है वो मिला है आंध्र प्रदेश से। ये आंध्र प्रदेश के अंदर एक जिला है जिसका नाम है गुंटूर, उस जिले के अंदर एक गाँव है चबरूला गाँव के अंदर से ये इस प्रकार का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो दक्षिणी भारत के अंदर संस्कृत के विकास और संस्कृत की जो प्रचलन है उसको बताता है। हालांकि इससे पहले इक्ष्वाकु राजाओं का इस प्रकार का एक अभिलेख मिला था, लेकिन उस अभिलेख से भी पुराना है ये, 207 एडी पूर्व का अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। इसका संबंध अशोक से भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि उसके अभिलेख भी संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का जो करंट अफेयर्स है दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम कल के करंट अफेयर्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद फेबुलस एकेडमी का जो करंट अफेयर्स है वो सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।